नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं IRFC की, और IRFC को लेकर के एक बड़ी अपडेट यहां पर हमें देखने को मिल रही है जो कि काफी अच्छी चीज है आपके लिए, और जो आपका मन में डाउट है थोड़ा बहुत उसको भी क्लियर कर देगी बहुत ही आसानी से, क्योंकि इनके CMD के द्वारा, अमिताभ बनर्जी के द्वारा ये बात कही गई है और जो कि हमारे लिए थोड़ा मोटिवेट करते हुए नजर आएगी और आने वाले टाइम में IRFC और भी अच्छा प्रॉफिट यहां से जनरेट कर पाएगी। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों यहां पर देखिए IRFC में अगर आप देखें तो इसमें खरीदारी के लेवल भी आपके लिए बताए गए थे, वहां से अगर देखें तो स्टॉक लगभग आपके लिए 50 पैसे प्लस के तरफ दिखाई दे रहा है, 40-50 पैसे। लास्ट 5 डेज में आप देखेंगे जब यहां पर स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई थी और यहां पर जो लेवल था वहां पर स्टॉक गया था, तब मैंने आपको बताया था कि 22.50 रुपए के लेवल से या फिर इसके नीचे आपको जब भी मिले आप माल उठा सकते हैं आसानी से। वहां से देखें स्टॉक में आपको एक धीरे धीरे सही पर कछुए की चाल से ही सही स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। अब इनके अमिताभ बनर्जी से जो सवाल पूछे गए उन सवालों में कुछ खास सवाल जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी पता लग जाएगा। देखिए अमिताभ बनर्जी से जब पूछा गया कि अभी तक आपने कितने फंड प्लान किया है रेज करने का और कितना आप प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि वो लगभग 52,000 करोड़ से ज्यादा पैसा रेज करने का प्लान, जिसमें 50% उन्होंने रेज कर लिया और IRFC ने इंडियन रेलवे को प्रोवाइड भी कर दिया है उनके कामकाज के लिए, जो कि काफी अच्छी चीज उन्हें देखने को मिल रही है। अब दूसरे नंबर पे एक सवाल और उन्होंने उसका जवाब दिया कि अभी तक IRFC ने 2020-21 के सत्र में 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा रेलवे के लिए प्रोवाइड किया, जो अब तक का सबसे बड़ा फंड था रेलवे के लिए प्रोवाइड करना। तो काफी तेजी के साथ IRFC बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज है, जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट के कुछ ऐसे नियम अब आ गए हैं और प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो प्राइवेट कंपनियां जैसे जैसे रेलवे में आपको देखने को मिल रही है वैसे ही IRFC ने भी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया और IRFC भी अब कुछ अदर कंपनियों के लिए भी फंड प्रोवाइड करना शुरू करने वाला है। ये उनके CMD अमिताभ बनर्जी के द्वारा बात कही गई है, और लेकिन उन्होंने इस बात के लिए क्लियर ये कर दिया है कि वो सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए पैसा देंगे जो कि कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे से रिलेटेड होंगी, चाहे बैकवर्ड सही या फ्रंट में सही या राइट या लेफ्ट या कहीं से भी, पर इंडियन रेलवे से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब कि चाहे वहां पर कोई कैटरिंग का काम कर रहा हो, चाहे वहां पर कोई पानी बोतल बेच रहा हो, एक एग्जांपल की बात ले रहा हूं मैं, बाकी कोई भी प्राइवेट आदमी अगर रेलवे में ही काम करेगा, कोई अपनी नई प्राइवेट ट्रेन चलानी है किसी को और उसके लिए फंड चाहिए, तो अमिताभ बनर्जी के द्वारा ये बात कही गई कि वो प्राइवेट कंपनियों के लिए भी फंड देने वाले। अब यहां से जो हमारे मन में जो डाउट था वो कौन सा डाउट क्लियर हुआ, यहां से सबसे बड़ी चीज हमें ये देखने को मिली कि जैसे रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, लेकिन IRFC उन प्राइवेट कंपनियों के लिए भी फंड प्रोवाइड करने वाले। यही बात आपको बहुत टाइम पहले भी मैंने बताई थी कि आपको प्राइवेटाइजेशन से डरना नहीं चाहिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी के पास इसका सलूशन है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के लिए भी लोन चाहिए होता है और IRFC जितना सस्ता लोन देता है इतना सस्ता कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ट्रस्ट है, AAA रेटिंग के साथ में हर कोई इनके लिए पैसा देने के लिए तैयार रहता है, और यही वजह है कि IRFC एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और 100% टैक्स फ्री कंपनी है, और इसलिए IRFC आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नजरिए से लेकर के चलना चाहिए। लंबे समय के लिए स्टॉक के लिए होल्ड किया जा सकता है, डिविडेंड बतौर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 5% का डिविडेंड, 5% का डिविडेंड यील्ड काफी बड़ी बात होती है, आप 4% का मान के चल सकते हैं अगर ये स्टॉक 25-26 के लेवल पर जाता है, तो 26 लेवल के हिसाब से 4% का लगभग डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। पीई की बात करें तो 5 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर आपको ये शेयर इस समय देखने को मिला है, तो आप बिल्कुल यहां से इसे अवॉइड नहीं कर सकते, और यहां से आप इस स्टॉक में अगर माल बेचने का सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टॉक है, लॉन्ग टर्म ही काम करेगा, शॉर्ट टर्म में आपको पैसा इतना ज्यादा बना करके नहीं देगा, लेकिन हाँ जो अभी लेवल्स हैं इस हिसाब से आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना दोस्तों, IRFC को लेकर के आपका सोचना क्या है। नमस्कार दोस्तों।